तो लो गाइस गन्ना हमने पक गया और भाई मैंने 4 हार्वेस्टर लगाए हैं, बस इनको करना है अब यहाँ पे ऑन। तो लो गाइस गन्ना अपना कट रहा है फटाफट, यार देखो गन्ना तो काफी सारा कट भी गया। तो लो भाई जा रहे हैं गन्ना बेचने, मैंने अर्जुन के साथ लगा ली है ट्रॉली इंडियन वाली। हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू स्टार्स गेमिंग चैनल। तो दोस्तों आज मैं फिर से खेलने वाला हूँ फार्मिंग सिमुलेटर 19 और भाई ये है 1000 मिलियन डॉलर चैलेंज का दूसरा पार्ट और इस मैप का नाम है वाइल्ड वेस्ट 16x मैप। तो यार ये मैंने पिछली बार लगाया था गन्ना, उसके पहले मैंने राई और वीट वगैरह काट के बेची थी और वहाँ पर मैंने लगा रखी ग्रास। तो यहाँ पर मैंने मोड लगा लिया था क्योंकि बार बार मुझे गन्ने के लिए बीज लेने जाना पड़ता था बहुत दूर अपने फार्म हाउस पे, तो मैंने यहीं पर एक मोड सेट कर दिया है, लगा दिया जिससे कि हमें फर्टिलाइज़र सीड यहीं पर मिल जाएगा। तो ये खेत तो काफ़ी बड़ा है देखो, तो भाई 130 एकड़ का बता रहा है। तो इसके अंदर वीड आ चुका है, तो ये वीड आया है दूसरी स्टेज का। तो कितनी स्टेज होती है भाई फसल की, तो पहली स्टेज पे हम लगाते हैं गन्ना, उसी स्टेज पे थोड़ी देर बाद आ जाते हैं वीड, अभी दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छःवीं सातवीं, मतलब 7 स्टेज हैं टोटल। तो पहली स्टेज के ऊपर आ चुका है इसके ऊपर वीड, अब इस वीड को मारने के लिए या तो मैं वीडर लूँ और या स्प्रेयर लूँ, तो उससे मुझे नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा, ये है 21 मीटर का लेकिन इसकी स्पीड है 12 की, भाई अगर मैं ये 2-3 भी लगाऊंगा तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो एक होता है क्रॉप प्रोटेक्शन की मशीन, इसकी स्पीड है 25 की, उसकी थी 12 की, वो डालता है 24 मीटर, उसकी जो कैपेसिटी है 21 मीटर है, ये है 48 मीटर का, भाई उससे 2-3 गुना बड़ा है, लेकिन ये है 5 लाख का। तो अभी मैं किराए पर लेके इससे मारूंगा वीड, लेकिन अभी क्या है कि वीड ऐसे छोटा है, अभी हमारी फसल भी नहीं होगी तो मैं अभी इसके ऊपर फर्टिलाइजिंग भी नहीं कर सकता। तो मैं इसको और बढ़ाऊंगा जब तक कि वीड थोड़ा बड़ा हो जाए और हमारी फसल भी बड़ी हो जाए, ताकि मैं वीड और फर्टिलाइज़र इकट्ठे ही कर सकूँ। तो उससे क्या होगा, मेरा टाइम बचेगा। तो मैं इसको एक बार फास्ट कर देता हूँ 120, तो थोड़ी देर इंतजार करते हैं और यहाँ पर अपनी वीड भी आ जाएगी, फसल भी आ जाएगी, तो हम वीड भी मार देंगे और साथ साथ फर्टिलाइजिंग भी कर देंगे। अगर मैं अभी लगाऊंगा वीडर, जो कि वीडर होते हैं जो कि सिर्फ इसको उखाड़ देंगे, तो मैं फर्टिलाइजिंग नहीं कर पाऊंगा, मुझे 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर मुझे फिर फसल ग्रो करनी पड़ेगी, फिर मुझे फर्टिलाइजिंग करनी पड़ेगी। तो आप समझ रहे हो मेरा कितना टाइम ख़राब होगा, मतलब फार्मर को इतना टाइम ख़राब करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया कि भाई मशीन ले लो स्प्रेयर और उससे मारो बढ़िया से। तो जब तक मैं यहाँ पर 2 स्प्रेयर ले लेता हूँ और उनको भरता हूँ इसके अंदर भाई, अभी तो ये मैं अभी किराए पे लूँगा तो भाई 24,000 रुपये किराया, लेकिन इससे मेरा टाइम बहुत बचेगा। तो ये बाद में लेंगे, खरीद लेंगे बाद में जब हमारे पास पैसे होंगे, अभी तो इसको ले लेते हैं ऐसी फटाफट 2। तो ये आ गई अपनी 2 मशीन, अभी इसके अंदर देखो फसल नहीं होगी और रात भी हो गई, तो रात हो गई है, रात को होने देते हैं। अभी अभी इसका फसल का कलर मतलब ये थोड़ी डार्क होनी चाहिए, देखो ये हो गई बहुत ज़्यादा डार्क, ये हो गई फर्स्ट स्टेज, ये है सेकंड स्टेज, ये है थर्ड स्टेज, और दिखाऊं तो ये है फोर्थ स्टेज शायद, ये थर्ड, ये फोर्थ स्टेज है। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है सेकंड और थर्ड में, तो ये है फोर्थ। तो अभी हमें फर्स्ट स्टेज पे, हमें अभी इसको और ग्रो करवाना है। तो ये घास भी देखो यार, फूल भी उग गए हैं साइड में, घास भी उग गई है। तो अगर मैं लाइट मार के देखूँ तो अभी देखो अभी सिर्फ वीड ही है, फसल नहीं आई। तो जब तक फसल नहीं आएगी मैं फर्टिलाइज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं करने की कोशिश भी करूँगा तो हेल्पर मना कर देगा, या अगर मैं भी खुद भी करूँगा तो होगी नहीं, तो ये प्रॉब्लम है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको होने देते हैं जब तक हम इसको फुल करते हैं, इसके अंदर भरते हैं फर्टिलाइज़र और एक में भरते हैं हर्बिसाइड और एक में भरते हैं फर्टिलाइज़र। तो ये दोनों फसलें ये एक ही मशीन दोनों काम कर देगी। तो इसके अंदर मैं भर दूँगा लिक्विड फर्टिलाइज़र और इससे हर्बिसाइड भी मिलेगा कि नहीं अभी पता नहीं है। तो ओल फुल भी हो गया, लो भाई इसकी कैपेसिटी 9000 की है, एक फुल हो चुका है, इसको करते हैं आगे और अभी देखते हैं ज़रा, अभी फसल अभी आई नहीं, अभी फसल उगी नहीं, तो इसके अंदर भरते हैं हर्बिसाइड। अब इससे हर्बिसाइड भरा जाएगा कि नहीं अभी मुझे पता नहीं, मैंने इस मशीन से इस मोड से कभी फर्टिलाइज़र हर्बिसाइड भरा नहीं है, तो देखते हैं भरेगा कि नहीं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र कह रहा है हर्बिसाइड आ गया, ठीक है हर्बिसाइड भर लेंगे इसके अंदर, लो भाई इसके अंदर हर्बिसाइड आ गया। तो पहले हमें लगाना है इस मशीन को, ताकि इसको ऑन कर लेते हैं लाइट इसकी,
तो पहले हम लगाएंगे इसी को ताकि अपना हर्बिसाइड खत्म, वीड मर जाए और हम भाई इसके साथ उसके बाद हम फर्टिलाइजिंग कर सकें। तो ये बहुत बढ़िया है, इसको लगाने से लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी और अपना टाइम बचेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन थोड़ी महंगी है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पैसा आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको खोल लेते हैं, देखते हैं कितनी बड़ी है। लो भाई देखो वीड बड़ा हो गया अभी, लेकिन फसल नहीं होगी। तो फसल उगने का इंतजार करता हूँ, जब तक फसल उगती है उसके बाद लगाते हैं इसको। तो चार स्टेज तक हम वीड मार सकते हैं और फर्टिलाइजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पीले में चली गई, लेकिन अगर फसल इस पीले के अंदर एंटर हो गई, तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते, ना वीड मरेंगे ना फर्टिलाइज होगा। तो ठीक है, ये सेट हो गई है, इसको अभी यहीं पर रोक देते हैं, चलते हैं ज़रा भाग के, अभी देखते हैं फसल अभी होगी नहीं। तो मैं आपको एक ही बार दिखा रहा हूँ, ये अगली बार नहीं दिखाऊंगा, बस अगली बार से तो मैं इसको करके रखूँगा और फसल को उगा के रखूँगा। ये मैं आपको सिर्फ पहली बार दिखा रहा हूँ आज की भाई, वीड फर्टिलाइज़र के बारे में। वैसे मैंने आपको कई बार बताया है, और ये देखो कितना बड़ा हो चुका भाई। ये झाड़ियाँ हैं, जो ये झाड़ियाँ हैं ये हमारी फसल को खा जाती हैं, तो इसको मारना ज़रूरी होता है। कीटनाशक मारते हैं ना, दवाइयाँ दवाई वगैरह छिड़कते हैं। लो भाई अपनी फसल भी उग गई। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, अपनी इसको टाइम को कर देंगे रियल टाइम, गेम को मार देंगे एक बार सेव, ताकि भाई अपनी गेम इधर उधर ना जाए। ये सेव होने में थोड़ा टाइम लेती है, क्योंकि भाई इसके अंदर मैप, ये मैप काफ़ी बड़ा है और टाइम लगता है इसके अंदर। तो चलो चलते हैं मशीन के अंदर। अरे भाई उसके अंदर घुस दो, उसके अंदर चल भाई, इधर से नहीं जा पाएगा। ओके तो भाई साइड से चलते हैं, इसकी सीढ़ी यहाँ से है। तो लाइट करते हैं इसकी ऑन। ओके, और ये भाई अपना देखो ख़त्म हो गया। तो ये इससे क्या है, इससे ख़त्म नहीं होता, इससे मरता है। ये काला काला है ना, ये मर गया, मतलब ये मर गया, देखो काला काला। लेकिन अगर जो वीडर चलाते हैं, वीडर से मर जाता है, मतलब वीडर उसको उखाड़ देता है। तो ये हो गया अभी अपना वीड चालू, और अगर इसको ऐसे करके देखेंगे तो ये सेकंड स्टेज में आ चुकी है। देखो ये लाइट से थोड़ी डार्क हो गई है, अब इससे डार्क, ये होगी थर्ड स्टेज, ये इससे थोड़ी डार्क है, और ये होगी चौथी स्टेज। हाँ अब सही नज़र आ रहा है, देखो ठीक है। अब चलते हैं दूसरी मशीन के अंदर, उसके पास इसको ले चलते हैं वापस, क्योंकि अब मुझे इसके पीछे पीछे फर्टिलाइजर भी लगाना। वो वीड मारता रहेगा, वीड ख़त्म करता रहेगा, हम फर्टिलाइजिंग करते रहेंगे। तो ये रात को ही होगा काम, क्योंकि अगर मैं सुबह के लिए इंतज़ार करूँगा तो भाई देर हो जाएगी। फसल वगैरह अगर गन्ना पक गया तो ना वीड ख़त्म होंगे ना फर्टिलाइजिंग होगी। तो नेक्स्ट टाइम से तो फसल पका के मैं फर्टिलाइजिंग अपने हार्वेस्टर वगैरह लगा के रखूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो आज ही कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मशीनें भी ख़रीद लूँगा मैं धीरे धीरे, जैसे ऐसे मेरे पास पैसे आएंगे। अभी तो इसको लगाने वाले हैं यहाँ पे। चल भाई खुलने में थोड़ा टाइम लेती है। तो ये हो गया भी अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसको लाते हैं भाई पीछे, और इसको छोटा करके देखना पड़ता है। बहुत बड़ी है ना, काफ़ी चौड़ी मशीन है भाई। ओके ठीक है, तो इसको लगा देते हैं, बी से करते हैं ऑन, क्रूज मोड करते हैं ऑन, और हेल्पर लगा देते हैं। देखो हेल्पर भी काम कर रहा है। तो अगर ऐसे करके देखेंगे तो देखो ये खेत देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन भाई ये बहुत बड़ा खेत है, जब इसको काटोगे तब पता चलेगा, क्योंकि ये मैप इतना बड़ा है, और मैप का साइज गेम के अंदर मैप का साइज इतना ही आता है, चाहे मैप 10 गुना बड़ा हो, चाहे 2x मैप हो, चाहे 50x मैप हो, 50x हो, चाहे 100x हो, मैप का साइज इतना ही होगा। और इसका जूम का भी एक लिमिट है, जूम इतना ही होता है। तो अगर देखो पीछे तो फर्टिलाइजिंग डार्क होने लगी है, आपको ध्यान से देखो तो नज़र आएगी, ये डार्क है ये लाइट है। और कितनी बड़ी जगह कर रहा है भाई, ये बहुत बड़ी जगह में कर रहा है ये किंग अपना, और किंग और बीस्ट लगे हुए हैं देखो। अब ये एक लाइन जैसे जैसे करता जाएगा, वो पीछे से आता जाएगा, और ये दोनों काम करते रहेंगे। ठीक है, इसको एक बार ख़त्म होने देते हैं, उसके बाद फसल को बड़ा करके गन्ने को फिर मैं लगाता हूँ हार्वेस्टर वगैरह। चार हार्वेस्टर लगाने पड़ेंगे कम से कम। तो फिर इसको बेचते हैं काट के गन्ने को, आज देखते हैं गन्ना कितने का बिकेगा। और दूसरे खेत में मैंने 11 नंबर पे लगाई थी ग्रास, घास अपने जानवरों के लिए, उसको भी काटना है। मैं मोवर, दो मोवर लगाऊंगा वहाँ पर, और एक चार हार्वेस्टर यहाँ पर। तो देखेंगे आज कितना टाइम लगने वाला है। तो अगर मैं इसमें वीडर से काम करूँगा तो भाई मेरे को बहुत टाइम लगेगा, मेरा बहुत टाइम बर्बाद होगा। तो इसीलिए हमें वीडर वगैरह नहीं लगाना, हमें सिर्फ ये मशीन इस्तेमाल करनी है। ठीक है,
हाँ छोटे मोटे खेत हो तो वीडर लगा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े के लिए भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। अब ये भी देखना है कि ये 9,000 लीटर के अंदर ये वाला खेत हो जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 9,000 है, हो सकता है मुझे एक बार और रिफ़िल करना पड़े। तो किराए भी लिए हैं इसलिए रिफ़िल भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप किराए पर चीज़ लेते हो तो रिफ़िल उतना ही करो जितनी ज़रूरत है, क्योंकि जब इसको आप वापस करोगे तो वो माल मिलता नहीं है, या तो आप उसको निकाल के रख लो या फिर वो वापस चला जाता है, तो नुकसान हो जाता है। चलो ठीक है, इसको होने देते हैं अभी, फिर बाद में देखते हैं जब ये हो जाएगा। तो लोग गाइस सुबह हो गई है, मैंने सुबह कर दी थोड़ी सी, मैंने कहा यार कुछ रोशनी सी करते हैं, और गन्ना अपना थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी इसके अंदर देखो यहाँ पर तो वीड नहीं बचा। और लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखो यहाँ पर, ये देख रहे हो यहाँ पर अभी वीड है, ये देखो। तो वीडर से ये मरेगा नहीं क्योंकि ये बड़ा हो गया, लेकिन अपनी मशीन जो है अपना काम कर रही है, अभी वीड मार रही है देखो। और इसके अंदर यार एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि मैं सोच रहा था कि जल्दी से चलता 11 नंबर खेत के ऊपर, और भाई वहाँ पे चल के मैं मोवर लेके लगा देता, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, इसमें अगर आप F1 करोगे तो शॉप इज़ क्लोज्ड, तो शॉप बंद हो चुकी है, तो दुकान अभी खुली नहीं है। तो मैं भाई परेशान हो गया, मैं पी का बटन दबा रहा था बार बार, देखो शॉप नहीं खुल रही। अब शॉप शायद 9 बजे खुलेगी, तब तक मैं कोई भी हार्वेस्टर और कुछ भी सामान नहीं ले सकता हूँ। तो यार ये इस मैप के अंदर अलग चीज़ भाई ने बनाई है। अब अगर आपको काम करना है तो रात को जो सामान लेना है तो वो आप रात को लोगे, तो अब अभी दुकान बंद है। अब पता नहीं दुकान कितने बजे खुलेगी, जब दुकान खुलेगी तो फिर मैं 2 मोवर लेके घास पे लगाऊंगा 11 नंबर पे। अभी तो भाई इनको काम करने देते हैं, अभी तो इसका काम हुआ नहीं, तो हार्वेस्टर भी तभी ले आऊँगे, नहीं तो मैं हार्वेस्टर अभी सेट कर देता। तो ये दिक्कत है, अब ये देखते हैं कितने बजे खुलेगी, शॉप इज़ क्लोज्ड। ओके चलो भाई, नई ऑप्शन देखने को मिली। यार गाइज इसमें एक एरर और है मैप के अंदर, एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी इसका हर्बिसाइड है 3000, अभी इसका हर्बिसाइड हो गया था 0%, ठीक है। ये तब भी काम करे जा रहा था हेल्पर, तो हेल्पर काम करे जा रहा है, और मैंने दूसरे ट्रक में जाने की कोशिश करी, दूसरी गाड़ी में जाने की कोशिश करी, तो भाई गेम हैंग हो गई, कुछ भी नहीं चल रहा था, प्लेयर भी हैंग हो गया, प्लेयर एक जगह पे खड़ा था तो प्लेयर एक जगह पे रुक गया। अब मुझे गेम दोबारा एक बार दोबारा रीस्टार्ट करनी पड़ी, बैकअप मुझे दोबारा बैकअप लगाना पड़ा। तो भाई ये प्रॉब्लम है, अगर इसके हर्बिसाइड या लिक्विड फर्टिलाइज़र की मशीन में सामान ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 0% से पहले ही उसको रिफ़िल कर देना या हेल्पर को रोक देना, नहीं तो भाई इसमें मैप में गड़बड़ हो जाएगी। अभी इसका हर्बिसाइड बचा है 2600, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, भाई मुझे गेम दोबारा लगानी पड़ी। तो ये अभी मैं भी देख रहा हूँ कि 0% है और ये काम करे जा रहा है, मैंने चेक किया, यार ये टाइम ख़राब करने वाले मैप हैं यार, क्या करें, कोई मैप अच्छा सा मिल नहीं रहा। तो इस मैप में भी एक दिक्कत है, तो अभी तो एक ही दिक्कत पता लगी है, अभी तो और भी दिक्कत आएंगी। और अभी शॉप भी नहीं खुली है, इसके अंदर ये भी प्रॉब्लम है, शॉप तो 24 घंटे खुली होती है हर मैप में, इसमें शॉप नहीं खुली अभी तक। तो मैं अगर चाहूँ तो कुछ और शॉप से जाके कुछ सामान खरीदना हो तो मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ। तो यार ये तो बड़ी समस्या वाला काम है। तो इसके अंदर अब शुरू कर दिया है 100,000 मिलियन डॉलर चैलेंज, तो यार ये भी दिक्कत है। तो चलो मेरे पास थे 1.8 मिलियन डॉलर, मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। तो गन्ने का बीज मैंने आपको बोला था बहुत ज़्यादा लगता है, देखो गन्ने का बीज एक दिन हो चुका है, तो सोल्ड बिल्डिंग, तो मैंने कुछ बिल्डिंग बेची थी जो भी पिछली बार बेचा था, तो हार्वेस्टिंग का हमें हुई थी पिछली बार इतनी, और गन्ने का बीज लगा है 7,35,000 का, तो मेरे पास उस टाइम 1,00,000-2,00,000 डॉलर थे। फिर मैंने कई ट्रैक्टर बेचे, हार्वेस्टर बेचे, तब जाके मेरे पास पैसे आए थे। और गन्ने का बीज देखो कितना लगता है। तो अदर्स, ये जो अदर्स आता है, ये आता है जब हम किसी मोड से भरते हैं सीड या फर्टिलाइज़र। वैसे सीड कॉस्ट यहाँ पर है और फर्टिलाइज़र कॉस्ट यहाँ पर है, जब हम शॉप से ख़रीदते हैं तो यहाँ पर आएगा, अगर आप मोड से भरते हो तो वो अदर्स में आएगा, ठीक है। तो अदर में आ रहा है ये, तो यार ये समस्या है भाई इसके अंदर। तो इसके अंदर मतलब फर्टिलाइज़र भरना पड़ेगा, अभी तो मैं देखो शिफ्ट हो पा रहा हूँ दूसरे में, लेकिन अब फिर थोड़ी देर पहले मैं इसके अंदर जा ही नहीं पा रहा था, और मेरा प्लेयर जैसे नीचे उतरा था तो एक ऐसी अटक गया, माउस भी नहीं हिल रहा था ना कीबोर्ड काम कर रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा था। तो भाई इस मैप के अंदर एक समस्या है थोड़ी सी ये। तो अभी 1800 हो गया, अभी देखते हैं थोड़ी देर, 5 मिनट इंतज़ार करके देखो, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट में हो जाएगा।
तो जैसे ही इसका थोड़ा सा रह जाएगा मैं गेम को सेव करके फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो मुझे दोबारा बैकअप लगाना पड़ेगा भाई। तो यार ऐसे टाइम ख़राब हो जाता है, इतनी देर में तो भाई कितने गेम प्ले बना देता मैं, इतनी देर में तो मैं स्नो रनर का एक गेम प्ले बना के अपलोड कर देता बढ़िया सा। तो देखते हैं शॉप कितने बजे खुलती है इसकी। शॉप शायद 7 बजने में, अभी 10 मिनट हैं, शॉप शायद 7 बजे खुलेगी या 8 बजे या 9 बजे, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने इस मैप को कभी खेला नहीं है, पहली बार खेल रहे हैं तो अभी पता चलेगा। अब इसका हर्बिसाइड बचा है भाई 1400, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो देखता हूँ मैं एक बार इसको टेस्ट करता हूँ, अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो इन मशीनों को नहीं लगाएंगे भाई, हम इस मशीनों को हटा देंगे, दूसरी वाली लगाएंगे। हर्बिसाइड तो मैं बंद ही कर दूंगा भाई, हर्बिसाइड मारूंगा तो मेरा तो बहुत टाइम ख़राब होगा, क्योंकि हर्बिसाइड में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े खेत जब मैं लूँगा, इतना सारा हर्बिसाइड भाई, इतने सारे वीड मारना भाई, फिर 5-6 घंटे तो वीड मारने में चले जाएंगे आप समझे। फिर आपको गेम प्ले, एक गेम प्ले मतलब एक वीडियो कम से कम 10 दिन में आएगा फिर एक। तब इसका हर्बिसाइड बचा है 1000 लीटर, तो अभी देखता हूँ, अभी अभी इसको सेव करने वाला हूँ मैं, थोड़ी देर में सेव करता हूँ, जैसे ही 400-500 रह जाएगा। तो इसका देखता हूँ एक बार कितना रह गया, इसका तो इससे कम ही होगा, इसका 1900 बचा है, इसका बचा है हर्बिसाइड, इसका बचा है 800, तो मतलब एक खेत भी नहीं हुआ 9000 से, देखो आधा खेत हुआ, तो 9 9 18 मतलब 17-18 हज़ार हर्बिसाइड लीटर, 17-18 हज़ार लीटर हर्बिसाइड और अपना लिक्विड फर्टिलाइजर लग जाएगा। तो अब बचा है इसका हर्बिसाइड 800, इसको मैं अभी एक सेव कर देता हूँ यहाँ पे, अभी चेक कर लेते हैं इस मैप को, यार इस मैप में दिक्कत है, तो 1 मिनट सेव होने देते हैं। ठीक है चल भाई चल, अब देखते हैं जरा इस लाइन में इसका हर्बिसाइड, क्योंकि इसका हर्बिसाइड इस लाइन में ख़त्म हो गया था, जब ये कोने पे पहुंचा था तो इसका 0 हो गया था, देखो अब ये 0 होने के बाद भी चल रहा था, यार ये क्या चक्कर है। अब हो सकता है अब ना हो, लेकिन अभी हुआ था और भाई मुझे गेम दोबारा रीस्टार्ट करनी पड़ी। यार ऐसे ऐसे अगर प्रॉब्लम आएंगी मैप के अंदर तो कैसे काम चलेगा। हो सकता है किसी ने नोटिस ना किया हो इस मैप को, कई लोगों ने खेला होगा, हो सकता है किसी ने ये चीज़ नोटिस ना की हो, लेकिन भाई मैं जो देख रहा हूँ मैंने आपको बता दिया। तो बस बचा है इसमें थोड़ा सा 500 और 400 हो गया, अब तो मतलब दिक्कत आएगी तो फिर मैप चेंज करेंगे, या तो मैप चेंज करना पड़ेगा या फिर इस मशीन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फिर ये वाले मशीनें इसमें काम नहीं कर रही, इसके अंदर शायद कुछ ग्लिच हो या कोई और प्रॉब्लम हो। चल भाई चल हो जा ख़त्म जल्दी से, 200 बचा इसका बस 250, लो भाई ख़त्म होने वाला है, मैं आपके सामने इसलिए दिखा रहा हूँ लाइव, आई मीन ऑफलाइन में दिखाऊंगा तो पता नहीं चलेगा आपको, तो ऐसे ही आप देखो तो समझ आ जाएगा आपको भी। भाई आप भी ये मैप खेलोगे कोई ना कोई तो खेलेगा ही, लो ख़त्म होने वाला है अब, 99 80 70 ख़त्म हो गया, लो अब देखते हैं क्या करता है ये, कहाँ पहुँचा ये, अभी तो बीच में ही है लगता, लो देखो 0% हो गया है और इसका टैंक एम्प्टी हो चुका है और ये अभी भी चले जा रहा है, देखते हैं अभी ये कोने पे पहुंच के फिर मुड़ेगा यहाँ पर, अभी मेरा प्लेयर चल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले अटक गया था, रुक अभी देखते हैं 2 मिनट रुको। यार ये बड़ी प्रॉब्लम है भाई, तो मैं इसको भरने के लिए लेके जा रहा था तो गेम ही हैंग हो गई और मैं किसी दूसरी मशीन में गया और यहाँ से, हाँ ये देखो मैं इसमें फंस गया था, इससे चल नहीं रहा था। बाकी मेरा रिकॉर्डर काम कर रहा था, बाकी सब कुछ काम कर रहा था, लेकिन ये नहीं काम कर रहा था। अब ये देखो इसको, अब वहाँ पे जब इसका टैंक खाली हो गया इसको वहीं पर खेत के अंदर खड़े हो जाना चाहिए था, जो गेम का रूल है, लेकिन ये अभी भी चल रहा है। अब गेम हैंग नहीं हुई, पहले हैंग हो गई थी, और 1 मिनट मैंने जब F1 दबा के देखा था, हाँ अब हो गई हैंग, देखो अब हैंग हो गई, अब एस्केप का बटन नहीं काम कर रहा, हाँ अब एस्केप का बटन काम नहीं कर रहा, अगर मैं अब दूसरी गाड़ी में जाता हूँ एंटर मार के तो जा नहीं पा रहा हूँ, देखो इसमें भी नहीं जा पा रहा हूँ, चला गया, अब इसके अंदर आके मैं फंस गया हूँ।
ये बड़ी समस्या है यार ये। अब मेरा प्लेयर खड़ा हो गया, अब देखो अब ये प्लेयर ना चल रहा है ना भाग रहा है, कुछ नहीं कर रहा। अब मैं इसको भगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसे नहीं चल रहा। अब ये प्लेयर और फंस गया, उल्टा सीधा हो रहा है। लो अब माउस भी नहीं काम कर रहा, ये दिक्कत है भाई इसके अंदर, ये दिक्कत है। अब मुझे इसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा भाई, ये तो बड़ी समस्या वाला काम है। मैं दूसरी, अब मैं टैब मार रहा हूँ, दूसरी गाड़ी में नहीं जा पा रहा हूँ, एस्केप काम नहीं कर रहा, F1 भी काम नहीं कर रहा, शॉप भी काम नहीं कर रही। अब शॉप खुली जाके, अब कीबोर्ड काम नहीं कर रहा यार, क्या चक्कर है भाई। अरे यार हाँ, अब शॉप खुल गई लगता, F1 काम नहीं कर रहा। और पैसे देखो ऊपर से कितनी जल्दी जल्दी कट रहे हैं, ऊपर से पैसे देखो 9 लाख बचा 8 लाख। और वो इसमें मतलब वो प्रॉब्लम है जो हेल्पर वाली प्रॉब्लम नहीं होती, किसी किसी मैप में हेल्पर किसी किसी मशीन के अंदर फंस जाता है, तो इसमें हेल्पर वाली प्रॉब्लम है। देखो मेरे पैसे फटाफट कैसे जा रहे हैं, 7:35, 7:25, 7:15, 7 लाख, 6 लाख। लो भाई, और एस्केप नहीं काम कर रहा, कोई चीज़ काम नहीं कर रही। अब बटन शॉप का भी काम नहीं कर रहा। चलो यार इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ और इसको दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ। इन मशीनों को यानी कि खाली होने से पहले ही हमें काम करना, इसको भरना पड़ेगा। और पैसे देखो ऊपर 4 लाख बच गया, अभी मेरे पास 1.3 मिलियन था। तो लोग आज मैंने गेम को दोबारा स्टार्ट किया है, और देखो यहाँ पर मैंने सेव करी थी लास्ट वाली गेम, तो मेरे पास इसके अंदर हमारे सेट था 808 बचा था, ठीक है, मैंने यहाँ पर सेव करी थी। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है कि अब अच्छा अभी शॉप तो खुली नहीं है, तो यार ये भी दिक्कत है। तो मुझे शॉप के अंदर आपको दिखाना था एक मोड मैंने लगाया था पिछली बार, आपको याद होगा। तो मैंने जब लाल वाले अंगूर काटे थे, यानी कि रेड ग्रेप्स और वाइट ग्रेप्स, तो उसके अंदर मैंने एक मोड लगाया था। वो मोड अभी भी मेरी इसमें मोड की फोल्डर में पड़ा हुआ है। हो सकता है उस मोड में दिक्कत थी, हेल्पर लगा के वो फंस जाता था, मैंने आपको बताया भी था। हो सकता है उस मोड की वजह से दिक्कत हो। तो मैं एक बार इसको अभी गेम को यहाँ पर सेव मार के उस मोड को हटाता हूँ, डिलीट करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ ये मैप काम करता ही नहीं करता, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर एक बार सेव मार देता हूँ दोबारा से, वैसे तो ये सेव ही है। चलो इसको मैं यहीं पर अभी क्विट करके दोबारा गेम उस मोड को हटा के गेम दोबारा स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो लो गाइस मैंने उस मोड को हटा दिया, उसका नाम था, एक मिनट, उसका नाम है भाई ब्रॉड 9000L, न्यू हॉलैंड ब्रॉड 9000L। और एक मैप था मेरे पास वेस्ट एंड, मैंने दोनों को हटा दिया, दोनों मोड को। अब यार ये बड़ी प्रॉब्लम आती है भाई कभी कभी। अब लगाते हैं इसको, देखते हैं अब ये क्या करने वाला है। अब इसको लगा के देखता हूँ अभी यहाँ पर, तो रीड देखता हूँ कहाँ पे रह गया था, यहीं पर है भाई, अब नज़र नहीं आ रहा ना, वीड अब गन्ना बड़ा हो चुका है। तो चलो ऐसे लगाता हूँ यहाँ पर इसको नॉर्मल सेम पर, बस ठीक। अब देखते हैं भाई अब क्या करता है ये। ओ यार तू हेल्पर लगाना, उतर के गया। लो अब मैंने हेल्पर लगा दिया, अब देखते हैं अब क्या होता है। अरे यार भाई बहुत ही दिक्कत आती है मोड के साथ, कई कई मोड इतने बकवास होते हैं, लोगों को बनाने नहीं आते, बना बनो के फेल देते हैं यार, दूसरों को परेशान करते हैं। मेरा 1 बजे से लगाऊं 3 बज गए भाई, 2 घंटे ख़राब कर दिए इस चीज़ के चक्कर में, दिमाग ख़राब कर देते हैं यार ऐसे मोड। अब देखते हैं भाई, अब इसका हर पिछड़ ख़त्म होता है तो ये रुकता है कि नहीं रुकता, और नहीं रुकता तो चलो कोई बात नहीं है, वो तो बाकी फंसना नहीं चाहिए, जैसे हेल्पर के साथ फंस जाता है। अभी मैंने इस हेल्पर को रोका हुआ है, ये यहाँ पर अभी रोका क्या, अभी गेम स्टार्ट करिए तो वो रुक गया। तो देखते हैं अभी 300 बचा यार, क्या लोग बनाते हैं भाई समझ नहीं आता। अरे मेरी पानी की बोतल कहाँ गई भाई, पानी भी ख़त्म हो गया भाई, 2 घंटे हो गए। फिर आप कहोगे यार वीडियो नहीं आया शाम को, भाई क्या हुआ बताओ, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती और भाई बहुत बड़ी तगड़ी तगड़ी प्रॉब्लम आ जाती हैं। चल भाई चल चल चल, अब इसको रुक जाना चाहिए, जब इसका वैसे नॉर्मल किसी मैप में लगाओ तो ये रुक जाता है, क्योंकि मैंने इसको पहले बहुत इस्तेमाल करा है, नहीं अभी भी चला जा रहा है, यानी कि मैप के अंदर ही दिक्कत है। अब इसको रुकना चाहिए, अब हेल्पर अभी काम कर रहा है, मैं यहाँ से हेल्पर डिसमिस करता हूँ, अब मैं उतर जाता हूँ। तो
इसके अंदर हेल्पर भी नहीं है और भाई अपने आप ही चले जा रहा है। क्रूज मोड इसका ऑन है, इसका क्रूज मोड जीरो कर देता हूँ तो भी नहीं रुक रहा, तो ये अपने आप ही चल रहा है। तो ये मैप की दिक्कत होगी यार, तो मैं इसके अंदर से उतर चुका हूँ और ये अपने आप चल रहा है, इसके अंदर कोई हेल्पर भी नहीं लगा हुआ। लो भाई अभी तक तो गेम सही चल रही है, अभी F1 भी खुल रहा है, अभी सब कुछ हो रहा है, अभी मैं दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो पा रहा हूँ, ये चल रही है ठीक है। और अब मैं अगर उसके अंदर दोबारा जाऊँगा तो ये अटक जाएगी, अभी तक चल रही है, ये अपने आप ही घूम रहा है भाई, ये अपने आप ही घूम रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं चला रहा हूँ इसको, ये अपने आप चल रहा है। मतलब ये इसको लग रहा है कि इसमें अभी भी हर्बिसाइड है। एक की स्पीड है और भाई इतनी स्पीड पे चल रहा है ये, इसकी स्पीड अभी एक की, अब रुक गई गेम, अब हैंग हो गई। तो इस मैप का भी बेड़ा गर्क है, ये मैप ऐसे ही है। अरे यार क्या करूं भाई, सजेशन दो जल्दी से, क्या करूं। अभी तो मैं गेम को रिस्टार्ट करता हूँ, वीट वीट छोड़ता हूँ और गन्ना बड़ा करके उगाता हूँ और उसको काटता हूँ। तो आप बताओ यार क्या करें इस मैप का, ये मशीनें नहीं लगाएंगे और क्या करेंगे, ऐसे ही काम करना पड़ेगा। तो लो गाइस मैंने टाइम थोड़ा सा आगे किया था, अब 8 बज गए हैं और भाई शॉप ओपन हो गई है, अब 8 बजे खुलती है भाई इसकी दुकान। और ये मशीनें तो बेकार हैं, इनको तो भाई मैं फटाफट से वापस करने वाला हूँ, इन्होंने मेरा लहू पी लिया, मेरा खून पी लिया भाई इन्होंने, बहुत ही दिक्कत वाला काम है। तो अब काम करते हैं इसको, टाइम को बढ़ा के भाई गन्ने को उगाते हैं जल्दी से। और मैं चलता हूँ अभी 11 नंबर खेत पे, वहाँ पर मैं 2 मोवर लेके और मोवर लगाता हूँ जब तक अपना गन्ना पक जाएगा, भाई घास भी तो काटनी है ना, तो कोने पे चलता हूँ ज़रा फटाफट। यार ये मशीनों मतलब जो एरर है ये यार बकवास है, तो कहाँ पर है यार ये, अरे घास है कहाँ पर, ये यार ये खेत कहाँ पर गया मेरा, साइड में भी घास है बीच में भी घास, समझ नहीं आ रहा ये फूल कहाँ से आ गए, तो ये कोना कहाँ पर है खेत का। तो अच्छा मैं इस कोने पे हूँ, एक मिनट यार, ये तो भाई इस मैप में हो क्या रहा है मेरा। अच्छा यहाँ तक है खेत, ये कोना है, अच्छा ये फूल जो हो गए हैं तो घास के अंदर घास मिल रही, समझ नहीं आ रही यार बड़ी समस्या। तो यहाँ लगाते हैं भाई 2 मोवर, फटाफट से घास के लिए लेते हैं मोवर, मोवर काटते हैं अपनी घास को। तो हे भी बनानी पड़ेगी और मोवर, वैसे तो मोवर ये हैं, वैसे ये भी है एक बड़ा वाला, तो इसके लिए पीछे वाला भी लेना पड़ेगा, नहीं ये तो ऐसे ही काट देगा। चलो देखते हैं कैसे काम करता है, मैंने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया, पता नहीं करा होगा तो ध्यान नहीं है। इसको लेते हैं किराए पर, 1 2। तो यार शॉप तो खुली रहती है 24 घंटे, मैंने वो मशीनें खरीदी थी रात को। तो एक मिनट भाई इंजन स्टार्ट करते हैं इसका, तो गन्ने को पकाना पड़ेगा आज, तो गन्ना काटना भाई बहुत मुश्किल हो गया और वीड वीड मैंने अभी मारे नहीं है और बड़ी दिक्कत वाला काम हो गया आज। तो इसको लगाते हैं इस कोने पे, 2 लगा देता हूँ, जल्दी से काम हो जाएगा अपना भाई, ऐसे टाइम बर्बाद होता है, ऐसे टाइम ख़राब होता है ज़िंदगी। चलो ओके पीछे करते हैं इसको, ओके भाई चल शुरू हो जा। तो देखते हैं कैसे काटता है घास, अच्छा इसने बाहर वाली घास भी काट दी, लो भाई तो बाहर भी घास लगी हुई ना, ये दिक्कत है। तो हे बनानी पड़ेगी, घास की शाप भी बना सकते हैं चाफ। तो कई भाई यार आप, कई आप भाई कह रहे हैं खाना खुद बनाओ, कई भाई कह रहे हैं खरीद के लाओ, यार मैं तो कन्फ्यूज़ हो गया कि क्या करूँ, तो खरीद के लाऊँ या भाई समझ नहीं आती। आधे लोग ऐसा बोलते हैं मैं एक काम करूँगा, मैं आप सवाल नहीं पूछा करूँगा आपसे कोई भी, मैं जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगा, क्यों भाई दो दो जगह फंस जाऊँगा मैं, नहीं तो आधे लोग ये बोलते हैं आधे बोलते हैं वो। अब आधे लोग बोल रहे हैं इंडियन ट्रैक्टर लगाओ, आधे बोल रहे हैं इंग्लिश लगाओ, तो भाई मैं बताओ क्या करूँ। तो उसको लगाते हैं भाई को यहाँ पे, ओके अंदर को चल काट दे, तो घास कट जाएगी, इसको हे बनाएंगे बाद में, अभी तो इसको घास को कटने देते हैं, हे बना लेंगे बाद, मुझे वो लाना पड़ेगा, इसके ऊपर टेडर मारना पड़ेगा।
तो चल भाई चल, अभी तो पशु वगैरह हमने जानवर खरीदे नहीं है, तो जब लेंगे तब। लो भाई हर्षित परमार आ गया। तो हर्षित परमार भाई का, ये हमारा मेंबर है HT हिंदी टेक्नोलॉजी भाई का चैनल था, और भाई ने मेंबरशिप ले रखी है, तो मैंने इसका नाम ऐड कर दिया था। तो गन्ना अभी पक रहा है, गन्ने को पकने देता हूँ। चलो गन्ना पकने के बाद फिर मैं यहाँ पर हार्वेस्टर सेट करके फिर आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो लो गाइस गन्ना अपना पक गया, और भाई मैंने 4 हार्वेस्टर लगाए हैं, बस इनको करना है अब यहाँ पे ऑन, और ये हो गया अपना काम शुरू। और देखो बारिश अभी हो रही थी रात को, और बारिश भी पड़ रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको नज़र आ रही होगी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और भाई धूप निकली है, पता नहीं क्या चक्कर है भाई, क्या हो रहा है। तो चलो यहाँ भी लगाना है, बस हेल्पर लगाने हैं, मैंने सेट कर दिए सारे सामान। चल भाई हो जाए शुरू। तो अच्छा ऐसे काटेगा, ओके। तो चलो इसके बाद सिद्धू, अमन भाजी, हर्षित सब आए हुए हैं, और इसको लगाते हैं थोड़ा आगे करके। तो मैंने उसके इसलिए ऑन नहीं करा था, मैंने कहा पहले इसको लगा दूंगा ज़रा। अब लगाते हैं यहाँ पे हेल्पर, और एक भाई यहाँ लगाए, तो 4 लगा दिए मैंने टोटल। तो देखते हैं कितनी देर में कटेगा 4 से। और इधर हर्षित और अजय ने कितना काम कर दिया, तो इन दोनों ने भी घास काट दी। चल भाई हर्षित ओके, तो इसका काम हो चुका है, इसको निकालते हैं बाहर। इस मैप में मुझे अभी घास समझ नहीं आ रही थी कि घास कहाँ पर है, घास पर दरअसल इसमें क्या है, जैसे ओरिजिनल घास उगती है वैसी घास नहीं उगती, इसके अंदर फूल वाली घास उगती है। ये देखो ये वाली जो घास है ना, जो बाहर है इसमें ये वाली घास है ऐसी। तो मुझे अपना फील्ड समझ नहीं आ रहा था कि मेरा फील्ड कहाँ पर गया, मैं सोच रहा था कि ये घास बाहर लगी है, लेकिन यही घास अंदर भी लगी है। देखो इसने काटी है हेल्पर ने, यहाँ तक ये घास अंदर भी है। तो यार ये भी घास का कुछ ऐसा सरंग है इसका। तो अजय भाई ने भी काट दिया, लास्ट लाइन चल गई इसकी, और इसका काम हो गया, अर्षित का तो काम हो गया। तो हर मैप में मैप बनाने वाले क्या करते हैं, टेस्टिंग वेस्टिंग करते तो हैं, लेकिन पूरी तरह मतलब उनको अब ये नहीं पता ना कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे उन्होंने हर पे साइड नहीं लगा, मशीन नहीं लगाई होगी, उनको क्या पता कि ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है। तो भाई इस मोवर का काम भी अपना ख़त्म हो गया, और चलो बस ठीक है। तो मैं भी क्या करने वाला हूँ, इसको वापस नहीं करूँगा, जो बाहर घास लगी है ना मैं इसको भी काट लूँगा। तो इसको काट के भाई मैं इसको भी उठा लूँगा, तो आधी मैं बनाऊँगा हे, आधी बनाऊँगा घास। चलो देखते हैं, और इनका काम हो गया। अभी मुझे सिद्धू बाजी को लगाना है लेफ्ट में, राइट में, और भाई दूसरे को लगाना है अर्शु को लगाना है लेफ्ट में। देखो भाई क्या बढ़िया लगता है ना। तो अब देखते हैं आज टोटल गन्ना कितना मिलेगा। और हर्बिसाइड वीड मैंने आपके सामने मारे नहीं, क्योंकि भाई दिक्कत आ रही थी बहुत ज़्यादा, आधे आधे फील्ड के हर्बिसाइड मारे हैं, आधे की फर्टिलाइजिंग करी है यार, ये बड़ी समस्या है। तो चलो अगली बार देखूंगा, वीड बंद करके फर्टिलाइजिंग तो मैं पहले भी करता था पूरी 100%, लेकिन वीड की प्रॉब्लम है। चलो देखेंगे जो होगा। अब इसको राइट में चला जाएगा तो बढ़िया बात है, अपने आप ही देखते हैं किधर जाएगा, ये लेफ्ट में जाएगा, ये उससे टकराएगा मुझे लगता है। नहीं 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 ठीक है ठीक है, दोनों अपना सही चलेंगे, फर्स्ट क्लास। दोनों ही हेल्पर बहुत समझदार हैं, हर्षु पाजी और सिद्धू पाजी, दो भाई। और वो दोनों कोने वाले तो काटेंगे, अमन भाई ने दूसरा चक्कर मारना शुरू कर दिया, और दीपू का भी दूसरा चक्कर लग रहा है। चलो चलो ठीक है, इनको अभी काटने देता हूँ, और मैं चलता हूँ अभी मोवर के अंदर। और जो ये घास लगी है साइडों में, तो ये घास मैं सारी काट दूंगा, क्योंकि अब मुझे घास ऑन क्यों नहीं हो भाई, एक मिनट ऑन नहीं गया। अच्छा तो मैं ये घास को उड़ा देता हूँ ना सारी को, अब ये घास हमें मिल जाएगी, तो अपने फील्ड के अंदर ये इसको इकट्ठा कर लेंगे बाद में। ठीक है मैं घास काट के और दिखाता हूँ आपको बाद में, जो जो होगा फिर आपके सामने होगा, ओके। तो लो गाइस गन्ना अपना कट रहा है फटाफट, यार देखो गन्ना तो काफ़ी सारा कट भी गया, इन दोनों भाई ने तो जल्दी उड़ा दिया, और यहाँ पर भी लगे हुए अमन। और ये खेत में थोड़ी प्रॉब्लम है, खेत थोड़ा ऊंचा नीचा है, तो घास के लिए मैंने मोवर लिए थे, मैंने मोवर वापस कर दिए। अब चलता हूँ मैं यहाँ पर, और भाई इसके अंदर मुझे मिली थी स्ट्रॉ, मैंने जो उठाई थी 3,53,000। तो अभी तो अपने पास पशु वगैरह नहीं है इतने, अपने एनिमल अभी मैंने पाले नहीं है, तो एक काम करते हैं इसको अभी यहाँ पर स्टोर कर देते हैं, क्योंकि अभी मुझे उठानी है अपनी घास। तो मैं सोच रहा हूँ अभी एक बार घास उठा लेता हूँ, अगली बार बना लें, फिर घास दोबारा उग जाएगी अपने आप, फिर उसकी मैं बना लूँगा हे। तो घास भी मिल जाएगी, हे भी मिल जाएगी, हे घोड़े खाते हैं और घास खाती है हमारी भेड़, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो स्ट्रॉ तो अपनी इतनी सारी है ही है, अब मैं इसको लेकर जाता हूँ और स्ट्रॉ को उठाता हूँ। तो बाकी अपना ट्रैक्टर अपने पास अभी 4 ही हैं, एक ये खड़ा हुआ यहाँ पर केस का, और अपने ये खड़ा हुआ भाई अर्जुन, और एक ये ट्रैक्टर है, तो 3 ट्रैक्टर हैं मेरे पास फ़िलहाल, बाकी मैंने भेज दिए थे।
लेकिन इसमें ये चलो अच्छी बात है कि सैलो के अंदर सारा सामान आ जाता है। मैं सोच रहा था शेड वगैरह कहाँ लगाऊंगा, अगर इसके अंदर मुझे साइलेज बनानी पड़ेगी तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर साइलेज की बंकर लगा के यहाँ पर बना सकता हूँ। तो कई भाई कह रहे थे बना के दिखाओ या अपने आप बनाओ, तो उनको बना के दिखाने हैं तो यहाँ पर दिखा देंगे। तो उसके लिए मुझे भाई घास की चाप या फिर कॉर्न की चाप बनानी पड़ेगी, तो कॉर्न की चाप सबसे बढ़िया होती है। तो चलो अभी तो खेत कट रहा है अपना, अभी तो लगे हुए अपने भाई, और जैसे ही कटता है फिर बाद में इसको ट्रॉली वाली, अभी बाद में लूँगा मैं ट्रॉली वगैरह, अभी तो मेरे पास ट्रॉली भी नहीं, मैंने सब वापस कर दी थी, मेरे पास किराए पे थी। तो गन्ना अभी देखो काफ़ी मिल चुका है, 12 मिलियन गन्ना है इसको मिल चुका है भाई। तो देखते हैं टोटल जितना गन्ना होगा उसके हिसाब से बाद में ट्रॉली लेके और ट्रैक्टर लेके अपने चलेंगे बेचने। तो अभी टोटल कितना मिलेगा लास्ट में वो पता अभी पता नहीं, तो 11 11 मिलियन तो हो चुका है। तो चलो बाद में देखते हैं, टोटल मुझे लगता है 50 60 मिलियन तो मिल ही जाएगा भाई, बहुत बड़ा खेत है। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो लो गाइस घास तो इकट्ठी हो गई भाई सारी, और इसके लिए मैंने एक मोड बना रखा है बहुत ही शानदार, बस यही मोड बढ़िया है भाई, इससे तो घास जल्दी उठ जाती है, नहीं तो फिर मैं सारी ज़िंदगी घास उठाता रहूँगा यहाँ पर बैठा। तो घास इकट्ठी हो गई अपनी, और खेत भी अपने देखें तो भाई कट ही गया, बस थोड़ा सा बचा, जरा सी आखिरी लाइन चल रही है बस। अभी चल के देखते हैं उनको भी, मैं ज़रा घास इकट्ठी करके और भाई इसको डाल के आऊँ वापस चल के। लो भाई थोड़ी सी बची है, और मैंने बाहर भी काटी थी उसको सारी मिला के भाई 1 मिलियन भी नहीं हुई घास, यानी कि खेत बहुत छोटा है। स्ट्रॉ मिली थी 3.5 मिलियन और घास मिली है बहुत ही कम। चलो यार जितनी मिली इसी में गुजारा करना पड़ेगा, इसको ले चलता हूँ अभी फटाफट। और इसको तो घास की मैं बना सक घास की भी चाप बना सकता हूँ वैसे तो, इसकी भी सैलेज बन जाएगी, लेकिन कौन की सैलेज बोलते हैं अच्छी होती है, लेकिन इस गेम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी की भी चाप बना लो, यानी कौन की बनाओ कोई भी बनाओ, तो उससे इस गेम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो असली ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है, गेम तो गेम का रोल वो नहीं है वैसा नहीं। तो चलो इसको भी अभी तो मैं सैलों में डाल देता हूँ, और फिर चलते हैं अपना माल लेके, अपना गन्ना लेके, ट्रॉली वगैरह लेते हैं वहाँ पर, और ट्रैक्टर अपने वहाँ पर सेट करने पड़ेंगे। चल भाई मुड़ जा फटाफट से तू। अच्छा तो यहाँ पर घास शुरू शुरू में जब हम आए थे तो घास छोटी छोटी थी, लेकिन अब अगर देखो तो घास चारों तरफ फूलों वाली घास हो गई है, तो वाइट वाइट से फूल लगे हुए हैं वाइट कलर के। तो यार ये अब ऐसी हो गई कि मुझे नहीं पता था, तो अपना फील्ड के अंदर भी यही वाली घास हो गई। चलो ये ट्रैक्टर मेरे को चाहिए, क्योंकि अब ट्रैक्टर भाई अभी अपने पास कम है, ट्रैक्टर और लेने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, आधे ट्रैक्टर ले लेते हैं इंग्लिश, आधे ले लेते हैं इंडियन, तो दो वो ले लेते हैं, दो वो ले लेते हैं, अभी मेरे पास 3 ही है। तो अभी इसको डालने देते हैं यहाँ पर। तो अभी मैं एक लेने वाला हूँ स्वराज, तो स्वराज 855 ले लूँगा, और एक ये अपने पास खड़ा हुआ है और एक वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो चारों ट्रैक्टर को मंगा लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं बाहर जब तक, अर्जुन को तो आ जा भाई, अर्जुन तू भी आ जा, इसको छोड़ दे, इंजन स्टार्ट कर ले इसका। लो भाई ये आ गया एक अपना इंडियन ट्रैक्टर, दो इंग्लिश हो गए। चल भाई तेरी घास डली के नहीं डल तो गई भाई। लो भाई तो अभी काम हो गया ख़त्म। चलो इसको अर्शी और दीपू ब्लॉक हो गई। लो भाई अच्छा भाई अभी आया, अभी आया। और ये भाई शेड बड़े सही हैं, ऑटोमेटिक शेड हैं, देखो अपने आप खुल जाते हैं, बहुत ही बढ़िया बनाया भाई ने इसको। चलो लगाते हैं फटाफट यहाँ पे, ट्रॉली को अंदर सेट कर देते हैं जल्दी से। चल भाई खोल खोल खोल, जल्दी खोल जल्दी खोल। चल ओके ट्रॉली को यहाँ पर खड़ा करके चलते हैं हम। चलो अब बाद में आके इसको सेट कर लूँगा मैं, तो ट्रैक्टर में अभी मंगाता हूँ थोड़ी देर बाद वहाँ पर। और ये फंस गए, इनको हटाना पड़ेगा दोनों भाइयों को, देखो दोनों अड़े हुए हैं कि मैं काटूँगा वो कह रहे हैं नहीं मैं काटूँगा। भाई इधर आ जाए इधर आ जाए, तो इधर आ जाए। तो गन्ना देखते हैं अभी टोटल कितना मिला, तो इसको लगाते हैं यहाँ, और इसका भाई का हेड हटा देते हैं, और निकालते हैं इसका पाइप। अरे पाइप निकालना था भाई, दबाना था ओ दब गया पी। तो इसको मिला भाई 2.5 लाख गन्ना, 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन, 25 लाख। अब इसको भी इतना ही मिला होगा शायद, इसको भी 2.5 लाख ही मिला। ओके वेरी गुड, तो 5 2.5 लाख नहीं सॉरी 2.5 मिलियन। अरे यार इंजन 1 मिनट यार, ये बार बार नहीं तो ऑन करते नहीं। तो 2.5 2.5 हो गया 5 मिलियन, बस 5 मिलियन गन्ना। अरे यार बहुत कम मिला, चलो जितना मिला अब उसी में गुजारा तो करना पड़ेगा। तो 5 इनको मिला तो 5 उनको मिलेगा भाई, और क्या।
तो कहाँ गया रे, ये रे। अच्छा इनके अभी तो अमन भाई अभी काट रहा है, चलो अमन को काटने देते हैं, लास्ट लाइन काटेगा तो इसको रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा भाई इसको, नहीं तो उधर टक्कर मार देगा। चल भाई तू आ जा, वो काट देगा आखिरी लाइन, देखता हूँ वो आखिरी लाइन काट के निकल जाएगा या फिर इसको लगाना पड़ेगा। अभी 1 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा भाई, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको, उसको मुड़ने तो दो। तो इसको मिला 2.3 मिलियन, 23,18,11,868। चल भाई चल चल चल, आ जा मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, अगर ये लाइन नहीं काटेगा तो मैं काट दूंगा, शायद ये काट ही देगा, मुझे लगता है पूरी लाइन उड़ा देगा, नहीं उड़ाएगा, नहीं, देखा एक लाइन बच गई है। चलो इसको भी लगाना पड़ेगा भाई, चल उन दोनों ने जल्दी काट दिया, लगता है उनकी दोनों भाइयों का वो एरिया कम था। तो चलो चलते हैं उनके पास, और 5 मिलियन, तो भाई 5 मिलियन के लिए मैं 2 ट्रॉली ले लेता हूँ सिर्फ, क्योंकि अभी तो इतना माल नहीं है, तो बाद में लेंगे ट्रॉली छोटी छोटी, अभी तो इसी से चलते हैं लेके, तो ट्रॉली ले लेते हैं। ये अपनी ट्रॉली की कैपेसिटी है 2 लाख, 2 लाख सिर्फ, और मुझे चाहिए ट्रॉली 5 मिलियन वाली, 5 मिलियन, तो ये 10 मिलियन वाली हो गई, तो 5 मिलियन वाली कहाँ चली गई, 50 लाख, ये अभी 5 मिलियन वाली, इसको ले लेते हैं किराए पे अभी, 1 2। और भाई ट्रैक्टर भी चाहिए, तो ट्रैक्टर अपने पास 2 खड़े हैं, इसको हटा देता हूँ यार एक बार, तो ट्रैक्टर अभी 2 ही चाहिए, एक तो इसको सेट कर लेते हैं और एक अर्जुन को ले लेते हैं, अर्जुन तो भी आ जा। अरे यार बस 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 बस, लो भाई एक अर्जुन आया और एक आया ये, तो पहले लगाते हैं इंग्लिश ट्रैक्टर। ओ भाई देखो इसका साइज देख रहे हो कितना बड़ा है, इसके पहिए डबल हैं, तो ये अर्जुन से बहुत बड़ा लग रहा है देखने में, तो इनसे इकट्ठा कर लेते हैं 5 लाख। और ये लाइटें कौन मार रहा भाई, ये हार्वेस्टर लाइट क्यों मार रहा, अच्छा इसका लगता है इंजन चालू है, चलो कोई नहीं, तो किराए पे लिए हैं वापस कर देंगे अभी, तो इससे लेते हैं पहले ए ओ निकल, तो देखता हूँ अगर ट्रॉली एक की जरूरत और पड़ेगी तो एक ट्रॉली और ले लेंगे, अभी तो मुझे लगता है इसी में काम हो जाना चाहिए। तो चलो इसको भी काटने देते हैं, अभी एक ट्रॉली लेके वहां चलते हैं। लो भाई इससे तो हो गया 2.5 मिलियन, इससे लेते हैं आप 2.5 2.5 5, तो ये इसमें थोड़ा बच जाएगा, इसको डालने देते हैं, अर्जुन को भी लाना पड़ेगा, चल भाई अर्जुन तू भी आ जा, इसको लगाते हैं भाई को। ओ ओ ये इतनी छलांगे क्यों मार रहा है भाई, इसको इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, इसकी थोड़ी सी करना पड़ेगा, मैं बाद में करूँगा अभी यार, मैं कहूँ जा, ध्यान नहीं आया यार, ध्यान कब आएगा। चलो भाई इसका काम हो गया है, लवली इसके अंदर आ गया है, और थोड़ा सा बचा है, 5 मिलियन हो चुका है पूरा, लो भाई लवली ने काम ख़त्म कर दिया, दोनों ने काम ख़त्म कर दिया, लो भाई ओके छोड़ दे भाई, छोड़ दे उसको, छोड़ दे, आ जा आ जा आ जा पीछे आ जा, तो लाते हैं भाई को अंदर एक बार फेंक के, एक मिनट इसका हेड हटा देते हैं, पाइप खोल देते हैं इसका भी, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, चल भाई ओके ठीक है, तो यहीं पे खड़ा हो तो आ जाए, इसमें मिला भाई 2.3, यार इनका एरिया कम था, इनको ज़्यादा कैसे मिल गया, तो इसका भी हेड हटा देते हैं, तो इसमें 2.3 मिलियन, कितने का करना जाएगा भाई आज, इस 2.3 और इसमें देखते हैं 2.3 मिलियन और 2.6 मिलियन, भाई एक ट्रॉली और लानी पड़ेगी, अर्जुन आ भाई तू आ जा, अर्जुन की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, छलांगा मारता, आ जाए पारे पारे, लो भाई डाल दिए, इसने भी थोड़ा सा था 8,83,000। अब ले चलते हैं अर्जुन को वहाँ पे, और एक ट्रॉली और लानी पड़ेगी, छोटी वाली लानी पड़ेगी, इंडियन ट्रॉली, इंडियन ट्रॉली ले लेते हैं, अगर कम होगा देखते हैं कितना होगा टोटल, तो 10 मिलियन गन्ना मिल गया, यानी कि है 5 5 10,
10 लाख गन्ना भाई। दस मिलियन यार, 100 लाख, 1 करोड़। लो भाई 1 करोड़ गन्ना। चल 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 चल, खत्म कर खत्म कर। चल भाई इसके पास चल अब, इधर इधर इधर। अरे यार अर्जुन किधर जा रहा भाई तू, इधर को चल। तो इस अर्जुन को हटा के मैं चलो लाल वाला अर्जुन ले लूँ, वो उसकी सेटिंग सही है, वो सही काम सही चलता है। अब देखते हैं ये भर देगा तो अच्छी बात है भाई, 2 ट्रॉली में अपना काम हो जाएगा, नहीं तो यार दिक्कत हो जाएगी, फिर और ट्रॉली लानी पड़ेगी। होगा नहीं मुझे लग रहा, थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा माल बचा। ओके चल। ओह अर्जुन, अर्जुन स्किट मार रहा भाई, देखो देखता हूँ कितना इसमें। ओ लो भाई 53,000 बचा। तो एक काम करते हैं यार, अपनी ट्रॉली ले लेते हैं एक देसी। अभी मैंने कोई ट्रॉली नहीं लिया है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, कुछ नहीं खरीदा मैंने अभी भाई, मेरे पास पैसे नहीं है इतने अभी, इसलिए मैंने कुछ ले नहीं पाया। तो इसको ले लेते हैं अभी किराए पे। इस कलर इसका ले लेते हैं इस बार लाल सा, इसको ले लेते हैं अभी किराए पे ही। और एक ट्रैक्टर और खड़ा था भाई, इसको भी लाना पड़ेगा। ट्रैक्टर कहाँ गया रे, ये रहा। लो भाई इंग्लिश ट्रैक्टर और देसी ट्रॉली, अच्छा दोनों लाल लाल, वाह भाई सब कुछ लाल लाल हो रहा आज। लावे डाल दो इसके अंदर। ओ यार ये ओके, डाल डाल डाल। लो भैया आ गया गन्ना, थोड़ा सा बाहर गिर गया, इसमें बाहर नहीं गिरता ऐसी नज़र आता। तो गन्ना बिकेगा कहाँ पर भाई, गन्ना देखा तो है नहीं, बिकेगा कैसे। तो गन्ने का रेट चला भाई 919, मिल स्टेशन 2 पे इसको टैग कर देते हैं। और मिल स्टेशन 2 भाई है कहाँ पर भाई, ये मैप बहुत बड़ा नज़र नहीं आता भाई, नज़र ही नहीं आ रहा कहाँ पर है। ओ है भाई उधर, ओ देखो काफ़ी दूर है भाई, काफ़ी दूर है। चलो मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर, फिर आपको मिलता हूँ वहाँ पर चल के। तो लो भाई जा रहे हैं गन्ना बेचने, मैंने अर्जुन के साथ लगा ली है ट्रॉली इंडियन वाली, और भाई इंग्लिश के साथ इंग्लिश वाली तो मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा। और भाई वो जगह बहुत ही दूर लग रही है मैप में, देखते हैं तो कहाँ पर चमक रही है ये, तो मैप में नज़र नहीं आ रही भाई किधर है ये। अच्छा मुझे लगता है मैंने ये हटाई हुई है जगह, इसलिए नज़र नहीं आ रही। हाँ अब नज़र आएगी, अब नज़र आएगी मैप के अंदर कि भाई कहाँ पर है। हाँ तो यहीं पर है कहीं, आसपास ही ढूंढनी पड़ेगी। कहाँ गई रे, एक मिनट भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सब्र तो करो। ओ भाई आ गया, चलो अभी तो बहुत आ गया भाई। ओ देखो मैंने लाइट जगाई है, और भाई हेल्परन पीछे हेल्परन भी लाइट अपनी जगा ली। अरे भाई मैं तो ज़रा दिखा रहा हूँ अपना, इन्होंने भी लाइट जगा ली। अरे मैं अपने व्यूवर को दिखा रहा हूँ भाई, तुम किसको दिखा रहे हो। पता नहीं यार किसको दिखा रही है। तो मुड़ना है इधर से, और ये देखो ये गार्डन वार्डन बना रखा है कुछ, गार्डन सेंटर टाइप का। तो चलो काटते हैं इधर को, इधर मुड़ना है भाई। यार इसमें बहुत दूर दूर जगह है, वो देखो वहाँ जाकर चलो पहुँचते हैं। अच्छा वहाँ पर आ गए हम, रेंच के पास आ गए भाई, रेंच के पास है ये जगह। तो यहाँ पर रेंच है ना, जहाँ पर पिछली बार हमने घोड़े के ऊपर बैठने की कोशिश करी थी लेकिन बैठ नहीं पाए। आओ भी आओ जल्दी करो। तो लोग गाइस एक बढ़िया से ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं हम, देखो यार और कितनी दूर है ये पॉइंट, अभी तक पहुंचा नहीं है बिल्कुल। मैप भाई बिल्कुल मैप के एंड में जाकर है यार, बिल्कुल देखो कहां पर है ये देखो भाई, मैप का एंड हो गया और यहां पर है भाई बहुत इतनी दूर दूर मैप है के अंदर, पॉइंट बहुत दूर दूर है बना रखे हैं इन्होंने माल बेचने के। लेकिन जहाँ पर रेट ज़्यादा मिलेगा भाई वहीं पर जाके बेचूँगा, अगर कहीं और जाऊँगा तो मुझे नुकसान होगा। और गन्ने का रेट चल रहा था 900 कुछ, मैंने थोड़ा सा टाइम आगे किया था हल्का सा, तो गन्ने का रेट अब हो चुका है 953, और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो मैंने इसलिए नहीं बढ़ाया कि क्योंकि एक बार गड़बड़ हो गई थी नो मैंस लैंड के अंदर, रेट 200 था और एकदम ही 2200 चला गया, तो मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं लालच किया। जो रेट मिल रहा भाई उसी रेट पर भेज देंगे। ओ भाई यहाँ पर बिकने वाला है अपना गन्ना, लो भाई ये पॉइंट बना रखा है। ओके तो मैंने अर्जुन की स्पीड को बहुत ही स्लो कर रखा है, क्योंकि नहीं तो यार वो पीछे से गड़बड़ कर देंगे टक्कर मार मार के। तो मैंने इसलिए क्योंकि तो अर्जुन की स्पीड है 95 की, भाग जाएगा पिछले वाले दिक्कत करेंगे वो आ नहीं पाएंगे। तो एक मिनट भाई उनको रोक देता हूँ, ज़रा लाइट बंद कर दो भाई, लाइट बंद कर दो।
लो भाई यहाँ बिकेगा अपना गन्ना और यहाँ बेचते हैं इसको। ले भाई ये गए भाई अपनी देसी ट्रॉली छोटी सी, इसमें तो कम ही था, इसमें थोड़ा ही है 50-60 हज़ार। तो जाने देते हैं इसको एक बार। भाई पैसे देखते हैं, 9,50,000 मिले तो 10 मिलियन का मतलब 9.5 मिलियन मिलेगा भाई। तो खेत बड़ा होता तो और मज़ा आता। चलो इसको अभी पिछले वाले को रोक देते हैं, नहीं तो वो दिमाग खा जाएगा भाई, तो पीछे आ जाएगा, टक्कर मारेगा मेरे को और हालत ख़राब कर देगा। एक सेकेंड भाई इधर को आ जाए। ओके। लो भैया क्या अपना गन्ना, पैसे देखो बढ़ गए भाई। लो भाई 5-6 मिलियन के आसपास, 4.7 मिलियन का बिका भाई एक। और ओ भाई रुक जा बाहर निकाल लो इसको। अरे यार ये फंस गई। चलो एक काम करते हैं, इधर से निकाल लो, आगे लगा भाई, आगे लगा इसको। ओए भाई देसी ट्रॉली को मत मार, मैं रोड पे इसलिए नहीं लगा रहा है, बाई चांस कोई गाड़ी वाला आ गया तो भाई दिक्कत करेगा। तो 4.7 तो यानी कि 9.8। ओ यार ये तो जाएगा नहीं, ओ ये दिक्कत है, ये नहीं जाएगा भाई, ये नहीं जाएगा, ये बहुत चौड़ा है, ये चौड़ा है ना इसलिए जाएगा नहीं। इसको ले लेते हैं भाई, ये पतला सा है चला जाएगा, उसके टायर इतने बड़े हैं वो फंस जाएगा भाई उसके अंदर। तो अच्छा हुआ मैं बड़ा सा ट्रैक्टर लेके नहीं आया। उसके पहिए हटा सकते हैं वैसे तो, लेकिन डबल पहिए में भाई ताकत बनती है ट्रैक्टर की अच्छी सी, और ये प्लोइंग के लिए बाकी काम के लिए अच्छा है, लेकिन कहीं पर माल बेचने जाने के लिए सही नहीं है। इसमें सारे पॉइंट ऐसे बनाए हैं मैप के अंदर, पतले पतले से पॉइंट हैं, चौड़े चौड़े पॉइंट नहीं हैं। रेंच के ऊपर पॉइंट अच्छा था, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट छोटा है। लो भाई 10 मिलियन हो गए आज अपने पास, वाह भाई वाह, स्वाद आ गया। 4.7 4.7 भाई 9.4 तो 9.5 मिलियन के आसपास हमें मिल गया आज, और क्या चाहिए भाई। तो खेत जैसे जैसे पैसे आएंगे खेत और ख़रीदेंगे बड़े बड़े, तब जाके कुछ मज़ा आएगा। तो आगे की प्लानिंग क्या होगी वो तो मैं आप बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी तो मैं सोचूंगा, देखूंगा मैप को चेक करूंगा कि इसके अंदर और कौन कौन सा हम मैप ख़रीद सकते हैं जहाँ पर फसल लगा के बेचेंगे। ठीक है भाई, तो ये था आज का गेम प्ले, इसका 1,000 मिलियन डॉलर चैलेंज का दूसरा पार्ट। तो कैसा लगा आपको बताना कमेंट लाइक करके, और इस पे भी मैं एम करता हूँ 10,000 लाइक के लिए। 1,30,000 सब्सक्राइबर है और मैं सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर की डिमांड कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा भी नहीं मांग रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा मांग रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक भाई अपना ख्याल रखिए, खाएं पिए स्वस्थ रहें, और भाई मेरा गन्ना खा के एकदम मस्त रहें। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।